जो गठबंधन है, अभी अमित शाह ने पिछले दिनों वहां रैली किया था, उसके बाद महागठबंधन ने रैली किया, क्यों जरूरत पड़ी? पहले अमित शाह ने कहा कि वो आतंकियों की जगह है, वहां आतंकियों संगठन के वहां लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम जो आबादी है उसको आतंकियों का टैग लगा करके अमित शाह बोलते हैं, और आज सीमांचल में जा करके जनता को कहते हैं कि मोदी की लहर है, मोदी का यहाँ जो है 24 में मोदी के नाम पे जनता वोट देगी। लेकिन अमित शाह ने अपनी रैली में ये नहीं कहा कि सीमांचल के विकास का आयोग का गठन करेंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे। ये जो विकास का मुद्दा था जिस पर अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला रैली में, और सेम सेम महागठबंधन की जो महारैली थी उसमें भी इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम वोट अपने पाले में रखने के लिए, आरजेडी तो मुस्लिम वोटरों को गुलाम ही समझती रही है, और इन दिनों 7 पार्टियों का जो ये महागठबंधन बना है तो इनको ये डर सताने लगा है, क्योंकि एमआईएम वहां जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और आपने देखा होगा कि 5 सीट हमने पिछले विधानसभा में जीता था, और जिस तरह से हमारे 4 MLA को तोड़ा गया उसके बाद जो बिहार का समीकरण बदला है, और जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं उनको जब ये लगने लगा कि सिर्फ भाजपा नहीं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी हमारे लीडरशिप को नहीं पनपने देना चाह रही है, तो हम 24 से ही इसकी शुरुआत करेंगे बदलाव की, और 25 में जा करके हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को असेंबली तक पहुंचाएंगे। यही डर दोनों गठबंधन को सता रहा है, और एमआईएम के जो चीफ आ रहे हैं ये दौरा वाकई बहुत अहमियत है। सीमांचल से एमआईएम पार्टी चली, आप देखिए सारण पहुंची, मुजफ्फरपुर पहुंची, अब मिथिलांचल में पांव पसार रही है, तो इनको डर तो ये पूरी तरह से सता रहा है कि 24 में भी नुकसान होगा और 25 में मुझे लगता है कि महागठबंधन सत्ता का जो ख्वाब देख रही है उससे बहुत पीछे रहेगी। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैका लाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघवाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनेद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है, वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेसाल और एक्सप्लाइटेशन करते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहे, हम इनके ताबे रहे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेगावाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा।